तो फ्रेंड्स यूट्यूब पर जब भी कोई क्रिएटर आते हैं तो वो कुछ टाइम काम करते हैं, उसके बाद जाके 2-3 महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद उनको टॉपिक ही नहीं मिलता है। ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम रोज कहाँ से टॉपिक लाए, कहाँ से हम ट्रेंडिंग टॉपिक लाए और अपने चैनल पर कैसे अपलोड करें, ये सब सोचते हैं। उसको ट्रेंडिंग टॉपिक भी नहीं मिल पाता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ट्रेंडिंग टॉपिक हमें कहाँ से मिलेगा। और बहुत लोग तो यहाँ से डीमोटिवेट हो जाके यूट्यूब ही छोड़ देते हैं, यूट्यूब पर काम करना ही छोड़ देते हैं, अपना चैनल बंद करके बैठ जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना चैनल किसी भी कैटेगरी में है, जैसे कि टेक्निकल चैनल है तो अगर उनका टेक्निकल वीडियो नहीं चला है तो उसमें ब्लॉगिंग डालने लगते हैं, कुछ लोग कुकिंग डालने लगते हैं, कुछ लोग शॉर्ट्स डालने लगते हैं, तो ये मिक्स कंटेंट बना के अपना चैनल पर डालते हैं तो उनका जो व्यूज आता रहता है या फिर सब्सक्राइबर इंक्रीज हुआ रहता है वो भी डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि बैक ये तो अपना चैनल पर कुछ भी अपलोड कर रहा है, कुछ कोई कंटेंट ही नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि अलग अलग कंटेंट होता है, अलग अलग सबका चैनल होता है, जैसे कि कुकिंग का चैनल अलग होता है जिसमें लोग कुकिंग का ही वीडियो डालते हैं, और टेक्निकल चैनल अलग होता है जिसमें लोग टेक्निकल वीडियो ही डालते हैं। उसके बाद ब्लॉगिंग का भी होता है, अलग अलग ब्लॉग लोग दिखाते हैं, कुछ लोग अपना लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं ब्लॉगिंग में, तो कुछ लोग अपना बाहर बाहर कहीं कहीं घूमने जाते हैं वो सब दिखाते हैं। तो अलग अलग जैसे कि ब्लॉग में भी अलग अलग कैटेगरी होता है और कुकिंग में भी अलग अलग होता है, जैसे कि कुकिंग में कुछ लोग मिठाई वगैरह बनाते हैं ये सब दिखाते हैं स्वीट्स, और कुछ लोग खाना पीना बनाते हैं। और टेक्निकल चैनल की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ लोग यूट्यूब टिप्स देते हैं, कुछ लोग मोबाइल के बारे में बताते हैं, कुछ लोग अपडेट बताते हैं, ये सब अलग अलग कैटेगरी होता है। लेकिन आप लोगों को यहीं पे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे मिल सकता है। तो वीडियो पर अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुकिंग चैनल की। तो देखिए कुकिंग चैनल में आपका भी अलग अलग कैटेगरी होगा, चाहे आप स्वीट्स बनाते होंगे, मिठाई वगैरह ये सब बनाते हैं, चाहे आप खाना पीना कुछ भी बनाते हैं, तो इसमें भी आपको सही से डालना है, क्योंकि आप कुछ भी उसमें कुकिंग चैनल में भी कुछ भी बना के डाल देंगे तो वो वीडियो नहीं चलेगा आपको। तो सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले कुकिंग चैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीजन के अकॉर्डिंग कुकिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे गर्मी में कौन सा सब्जी चल रहा है और गर्मी में कौन सा सब्जी ज़्यादा लोग खा रहे हैं, लोग मार्केट में मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना चैनल पर डालेंगे तो वो वीडियो 100% चलेगा। उसके अलावा आप देखेंगे गर्मी में आम का सीजन रहता है, लोग आम का अचार बनाना पसंद करते हैं, तो आपको भी इसी तरह का वीडियो डालना है। आम का एक अचार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि लोग अलग अलग तरीके का अचार बनाना पसंद करते हैं गर्मी में, आम जब मिलता है उस सीजन में, तो उसका भी आप 10-15 अपना चैनल पर वीडियो डालेंगे तो ये वीडियो हमेशा आपको चलेगा, 100% श्योर है कि चलेगा। मिठाई की ही बात करें तो आप जब फेस्टिवल आता है तो जैसे कि रक्षाबंधन आता है, दिवाली आता है और छठ पूजा आता है, तो ये सब में लोग क्या क्या बनाते हैं, जैसे कि छठ पूजा में बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है कि घर में हम बनाते हैं उसके बाद चढ़ाते हैं, तो ये सब का आप अपना चैनल पर बना के बताएंगे इस तरह हमें बनाना है तो वो वीडियो चलेगा। दिवाली की ही बात करें तो दिवाली में भी अलग अलग स्टाइल का कुकिंग, आप मिठाई वगैरह ये सब बना सकते हैं कि दिवाली स्पेशल करके, इस तरह का आप वीडियो डालेंगे तो आपका वो वीडियो चलेगा। इसके अलावा और भी फेस्टिवल आता है जैसे कि ये संक्रांति, हम मकर संक्रांति कहते हैं, उसमें हम लड्डू वगैरह ये सब बनाते हैं, तो सीजन के अकॉर्डिंग आप अपना चैनल पर कुकिंग का वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो ज़्यादा चलेगा। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चैनल की। तो देखिए टेक्निकल चैनल में अलग अलग सबका होता है, जैसे कि कुछ लोग टेलीग्राम के बारे में बताते हैं, व्हाट्सएप के बारे में बताते हैं, अपडेट देते हैं, यूट्यूब टिप्स देते हैं, मोबाइल के बारे में बताते हैं, तो इसमें भी अपडेट जब आता है तब आपको तुरंत ही वीडियो उस टाइम बनाना है, क्योंकि आप तुरंत वीडियो नहीं बनाएंगे, वही वीडियो जाके आप 1 महीने के बाद बनाएंगे तो वो वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि लोग को अपडेट के बारे में पता हो ही जाएगा और आपको पता ही है कि जब अपडेट आता है उसी टाइम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद तो थोड़ी वीडियो नहीं चलता है। तो आपको सबसे पहले इसका पता होना चाहिए कि ये हमें अपडेट कहाँ से मिलती है। जैसे कि आपको सबसे पहले अपडेट के बारे में पता चल गया तो आप सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आपका 100% चलेगा। तो अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाती हूँ कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से मिलेगा, ट्रेंडिंग जो भी अपडेट आता है यूट्यूब टिप्स का वो आपको कहाँ मिलेगा। तो देखिए आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सिंपल सा यूट्यूब ही ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है यूट्यूब क्रिएटर। यूट्यूब क्रिएटर लिखेंगे तो यहाँ पे यूट्यूब का ये चैनल खुल के आएगा। ये चैनल पर देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में सारा कुछ दिया गया है
और यहाँ पे आप देखेंगे तो YouTube के बारे में ही यहाँ पे वीडियो है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब भी यहाँ पे अपडेट आता है तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, उसके बाद आप यहाँ से देख के और समझ के उसके बाद अपना चैनल पर अपना भाषा में आप समझा सकते हैं। तो सारा अपडेट यहाँ पे YouTube के बारे में आता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कम्युनिटी में चैनल्स में चल जाएंगे तो इससे रिलेटेड और भी यहाँ पे बहुत सारा YouTube का चैनल है, तो आप यहाँ से भी अपने चैनल के लिए जो भी अपडेट आता है आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कोई भी अपडेट आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पता चल जाए, और आपको सबसे पहले अगर पता चल गया तो आप सबसे पहले YouTube पर वीडियो डाल पाएंगे और वो वीडियो 100% ज़्यादा चलेगा। तो ये आपको करना है। उसके बाद हम सेकेंड तरीके की बात करें तो आपको ट्विटर पर भी YouTube को फॉलो करना है। ट्विटर पर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता ही है कि YouTube के बारे में जब भी अपडेट आता है तो ट्विटर पर भी वो लोग शेयर करते हैं, तो ट्विटर पर आप अगर उनको YouTube पर जाके फॉलो कर लेंगे तो जो भी अपडेट आता है वो आपको मैसेज तुरंत आ जाएगा, आपको पढ़ के देख के समझ के और वीडियो डाल सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा तरीका की बात करें तो आपको हमेशा न्यूज़ पढ़ते रहना है। आप तो दिन भर में आपके पास 24 घंटा टाइम रहता है, तब 24 घंटा में से तो एक घंटा या आधा घंटा तो न्यूज़ पढ़ने के लिए निकाल ही सकते हैं, क्योंकि YouTube पे आपको काम करना है तो यहाँ पे मेहनत भी करना है। बिना मेहनत का यहाँ पे आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आपको कहाँ से ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेगी, कैसे मिलेगी, कुकिंग चैनल के लिए आपको क्या करना है, अगर आप टेक्निकल चैनल बनाते हैं तो आपको क्या करना है, और इसके अलावा और अलग वीडियो बनाते हैं। तो जैसे कि बहुत सारा इंडिया में फेस्टिवल भी आते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, दिवाली, छठ पूजा, इस तरह का बहुत सारा फेस्टिवल आते हैं, तो फेस्टिवल के ऊपर ही आप वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि आपका टेक्निकल चैनल है तो आप फेस्टिवल का तो ब्लॉग डालेंगे नहीं, तो आपको करेंगे क्या, जैसे कि बहुत सारे लोग उसका दिवाली का वीडियो डालते हैं, ब्लॉग डालते हैं, तो आप अपना चैनल पर बना सकते हैं कि दिवाली स्टेटस कैसे बनाए अगर आपका टेक्निकल चैनल है तो, या फिर आप दिवाली के लिए दिवाली का वीडियो एडिट कैसे करें, थंबनेल कैसे बनाएं, बैनर कैसे बनाएं, इस तरह का आप अपना चैनल पर टेक्निकल वीडियो चैनल पर वीडियो डाल सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल की बात करें तो आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में कि जैसे कि दिवाली कब है, दिवाली कब आने वाला है, दिवाली में कब पूजा करना है, दिवाली कैसे मनाया जाता है, ये सब आप वीडियो डालेंगे। जैसे कि दिवाली नहीं, साल में तो आपको पता ही कि बहुत सारा इंडिया में फेस्टिवल आते हैं, तो सभी के ऊपर आप दो चार दिन पहले से काम करना शुरू करेंगे। जैसे कि कोई फेस्टिवल आने वाला रहता है तो उससे दो तीन दिन पहले ही आप अपना चैनल पर वीडियो डालना स्टार्ट कर दें, स्टेटस डालें, 5-7-10 मिनट का वीडियो डालें, उसके बारे में बताएं, तब आपका वीडियो वो 100% चलेगा। तो मैंने बता दिया है सारा तरीका आप अपना चैनल के लिए कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।